खबर बड़कोट से है, जहां पर पिछले 8 दिनों से दिव्यांग बच्चे तहसील परिसर में हड़ताल पर बैठे हैं। आपको बता दें कि दिव्यांग बच्चों के शिक्षण कार्य में सरकार ने अंशदान पिछले 2 सालों से बंद कर दिया है, जिसके चलते दिव्यांग बच्चों को शिक्षा में काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं शिक्षा देने वाली संस्था पर आर्थिक संकट घेरा गया है। दिव्यांग छात्रावास में करीब 50 से अधिक बच्चे हैं, जो कि इन दिनों बड़कोट तहसील मुख्यालय पर धरने पर बैठे हैं। अंशदान से चलने वाला दिव्यांग बच्चों का यह विजया स्कूल जो कि अब बंद होने की कगार पर है, बच्चे परेशान हैं। मेरा नाम साधना है और मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ। और सर, मैं इतनी दूर से आई हूँ और पहाड़ में कहीं स्कूल नहीं है, सिर्फ एक मात्र ये स्कूल के अलावा। अगर सर इस स्कूल को भी बंद कर देती तो हम कहाँ जाएंगे सर? हाँ, पहाड़ में तो अभी एक भी तो स्कूल नहीं है और हमें कृपया करके शिक्षा से वंचित ना करें। सरकार ने तो कह दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर हमें तो पढ़ा नहीं रहे हैं ना। हमारी शिक्षा अगर बंद हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे सर? मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं विजय पब्लिक स्कूल का विद्यार्थी हूँ। और हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमारी शिक्षा ना रोके। धन्यवाद। इन बच्चों का जो जीवन है वो बहुत कठिनाइयों में है और मैं यही चाहती हूँ कि इनका जीवन बन जाए, शिक्षा से जुड़े, इनको हर इंसान एक इस नज़रिया से देखे कि इन बच्चों का जो समय है वो कितना कठिनाइयों से गुजर रहा है। इतनी तेज धूप में बैठे हुए हैं, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से कुछ भी ऐसा नहीं है कि इन बच्चों के लिए जो भी इनका खाने पीने का जो इनके शिक्षण कार्य में जो व्यय होता है उसको दे दें और इन बच्चों के लिए कुछ आगे अच्छा वो करें। मेरा शासन प्रशासन या उत्तराखंड सरकार से एक निवेदन है, अभी भी मैं निवेदन कर रही हूँ